स्वागत है आपका डीएससी बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो चाहे थे हम लोग उस पर खड़े खड़े। तो फिलहाल दुबई में जाके शादी करता है कि नहीं करता है, लास्ट में क्या होता है, शादी करता है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग इम्पोर्टेंट एसिड विक्टिम सर्वाइवर को दिए हुए हैं, ना कि बिलाल। तो ये हमने देखा कि जब ये एसिड अटैक करता है उसके बाद बिलाल पकड़ा जाता है, लेकिन हम लोग उसको एम्फसाइज नहीं करते कि पकड़ा गया, फिर लीगल प्रोसीडिंग में टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ। पार्ट वन की भी तैयारी चल रही है, ज़रूर कोशिश करेंगे। छपाक को इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, छपाक को इतना रिस्पांस जितना एसिड को मिल रहा है। सेकंड वीक में भी काफ़ी चल रही है, लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं किसी फिल्म का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक होता है वो लोग का कमर्शलाइज किया गया है, जैसे उनका प्रोपेगेंडा भी चालू है या जो भी लोग मीडिया वाइज या जो भी मौके देख रहे हैं उस तरीके से लोग हैं, बट हम लोग कमर्शलाइज लुक के बजाय हम लोग रियलिस्टिक वे में ज़्यादा अप्रोच किए हैं। और हमारा यही है कि अभी यहाँ पर जो इंडिया में अप्रोच हमारा सक्सेसफुल प्लान है इसको आगे ले जाने का, अब्रॉड में भी रिलीज किया है, तो होपफुली हम लोग लेकिन रियलिस्टिक वे में ही रखे हैं फिल्म को, ना हमने प्रमोशन के टाइम में ज़्यादा इधर उधर किया है, ना उस तरीके का प्रमोशन है। प्रियंका एज ए डायरेक्टर काम जब कर रही थी, एक्टिंग भी करना, डायरेक्शन भी करना थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा? अरे और कोई था जब चंद्रयान करने के लिए? चंद्रयान है तो फिर हम लोग तो सेट कैमरा के आगे ही रहते थे, हमारे जो कैमरा मैन थे या फिर जो हमारे असिस्टेंट थे वो लोग काफ़ी सपोर्ट, क्योंकि पूरी टीम जो है मुझे लगता है ऐसा नहीं, जो आर्टिस्टिक थे वो ऐसा नहीं कि वो सीधे सेट पे आए, उन्होंने भी 6 महीना उतना ही मेहनत किया प्रोडक्शन में जितना मैंने मेहनत किया, हर एक सीन को लेके हर एक बहुत लंबा डाल मस्ट बहुत लंबा डाल जो एसिड सर्वाइवर उनको समझने के लिए पूरी टीम देखती है। एक चीज़ है कि जो मेरी टीम है काफ़ी सपोर्टेबल है और काफ़ी अच्छी टीम बन गई है मेरी, तो काफ़ी अच्छा है। इसी काम का एसिड नाम से ही पता चलता है कि समथिंग अबाउट लेकिन वो किसी ने एसिड फेंका और
विक्टिम हो जाए, सर्वाइवर हो जाए, बट ये फिल्म जो है पूरी एक एम्बिशियस गर्ल के बारे में बताया गया और लास्ट में जो वेरी स्मॉल पोर्शन विन कर रहे हैं, डू यू फील इट थोड़ा और इसमें कुछ शायद और कुछ ऐड किया जा सकता था? तो मेन फोकस जो एसिड पर था, एसिड विक्टिम पे, दैट कुड हैव बीन इनफ, ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जा सकता था। आवर मेन प्रायोरिटी इज दैट टू अचीव पॉजिटिवली इन सोसाइटी, बिकॉज एसिड जो अटैक है इट्स नेगेटिव काइंड ऑफ, अगर हम लोग उसको ज़्यादा इंफोसाइज करते हैं, उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जैसा अभी उन्होंने बोला कि दूसरी फिल्म पर बात कर रहे हैं, हम पार्टिकुलर किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर नहीं गए हैं, ना पार्टिकुलर हम नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट किए हैं। हमारा टारगेट यह है कि एक आप देखते हैं कि हमारे बीच में जो इस तरीके का इंसिडेंट क्रिमिनलाइजेशन जो होता है, जब हमारे बीच से लोग कैटलाइट मार्च निकालते हैं, बट सडनली एक आदमी निकलता है वही ये सब सारी चीज़ें करता है, तो ये जो सोच होती है कैसे चेंज होती है, कैसे आगे प्रोग्रेस में आती है और सोसाइटी में कैसे नेगेटिविटी फैलती है, उसकी जर्नी को दिखाया गया है, ना कि हमने पर्टिकुलर एसिड अटैक को इंफोसाइज कर दें और वो बाकी चीज़ों को जो सोसाइटी का हमारा बैलेंस है उसको गड़बड़ करें। फिर मैं बोलते हैं यहाँ पर जो विक्टिम है उनकी चेहरा इज अ वेरी लिटिल डिसफिगर्ड है, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस वेयर यू मौत हो जाती है या पूरा पूरा डिसफिगर हो जाता है। एक ओवरऑल लेकर मैसेज करने की कोशिश की जाती है, मतलब बुक में आया था ओवरऑल बहुत सी महिला है, बहुत सी लड़कियाँ हैं, इस तरह से बहुत ही दूसरे लोगों ने जिनका चेहरा, मैंने वही बोला था कि हम जब इस फिल्म में काम कर रहे थे तो हम काफ़ी जो सर्वाइवर है उनसे मिले, चाहे वो लखनऊ की हो या मुंबई की हो, हमने उनकी स्टोरी भी सुनी थी, वो 7 साल 8 साल के बाद भी उनकी बॉडी अच्छी थी, उनके इवन आई थिंक 70-80 सर्जरी उन्होंने करा रखा था, उनकी बॉडी में वो वैसा वाला इफेक्ट नहीं आ पाया था, वैसा क्या बिल्कुल भी नहीं आ पाया था, तो उनकी बॉडी अभी भी जब आप टच करोगे तो बहुत ही गला हुआ है नाला आप उसको फील करोगे। तो हमारी जो फिल्म है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं एकदम ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा कि बनावटी दिखेगा, आप देखना पूरी फिल्म आप स्टार्टिंग से देखो सब ओरिजिनल नॉर्मल जो होता है दिनचर्या जो होता है लोगों का रोज का दिनचर्या होता है, हमने उस चीज़ को फॉलो किया है, नेचुरल वे में फॉलो किया है। और जो ये बंदी जो ये लड़की वो काफ़ी स्पोर्ट्स में अच्छी होती है, पढ़ाई में अच्छी होती है, तो उसने हमेशा अपने आप को जीतने की कोशिश की, जब उसके अब्बा जब चले भी जाते हैं गुजर जाते हैं तो उसने अपने अब्बा का सपना पूरा करने की कोशिश की, इस बीच में जो उसके अच्छे चाचा होते थे जो उनको अपने बाप की नज़र से देखते थे, अपने पिता समान उनको मानते थे, तो उसके बाद जब उनका ये नज़रिया बनता तो उसने फिर भी वो स्टैंड लिया, उसकी माँ एक पल के लिए झुक गई थी, अगर आपने फिल्म देखा होगा उसकी माँ एक पल के लिए झुक गई थी बट फिर भी वो लड़की नहीं थी, तो उसने यही बोला कि जो भी करूँगी अब मैं करूँगी, और उसने लास्ट में बहुत अच्छा डायलॉग दिया, ये एसिड का दाग है कि ये मेरे छील का मैटर, तो हमने उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया। चलिए कुछ अपील करना चाहेंगे लास्ट चलते चलते रिवर्स से जो मेरी तरफ से बिलाल की तरफ से फिल्म ने जैसे बोला है कि मैसेज है कि रियल लाइफ में बिलाल ठीक है, रियल लाइफ में बिलाल नहीं होना चाहिए, और एसिड अटैक जैसे इंसिडेंट जो हों या कोई अदर थिंग्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो नहीं होना चाहिए। फिल्म ज़रूर देखें और आपका अप्रिसिएशन और आपका लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा लगा आप लोग हमारा। लास्ट क्वेश्चन फिल्म गुड फिल्म बट थिएटर तक पहुँचना और रिलीज करना है क्या कहना चाहूँगा उसको लेकर? सर देखिए जैसे अभी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कॉर्पोरेट्स नहीं है इस फिल्म में, ना तो स्टार है कोई, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ही स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बट फिर भी हम लोगों ने सक्सेसफुली अराउंड अच्छे स्क्रीन हमको मिले ऑल ओवर इंडिया, और हम लोगों ने प्रमोशन भी फिर फिल्म को ही लेकर के फोकस किया, ये नहीं कि कुछ सुबुल जरूर चीज़ें उठाएं और जिससे हमको पब्लिसिटी मिले, तो हम लोग बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ नेचुरल वे में रियलिस्टिक वे में प्रोजेक्ट किया और हम सक्सेस हुए। हमारा मेन था कि लोगों को ये फिल्म क्रिटिकली एक्लेम हो, लोग देखें और कहीं ना कहीं कनेक्शन मिले इस फिल्म के थ्रू, अगर 1% भी लोग इस बात को समझते हैं तो हमारी यही विनिंग मोमेंट। जी 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 थैंक यू सर। मैं यही बोलूँगी कि स्टॉप एसिड अटैक और बिलाल बनने की कोशिश ना करें कोई, क्योंकि हर लड़की की एक अपनी लाइफ होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने फैमिली में अपने बच्चों को ना सुनने की आदत डलवाएं, नो मीन्स नो। हीरो है बिहाइंड पर जिन्होंने यहाँ तक लाया कि मैं यहाँ पर जी एग्जैक्टली यही बोल सकते हैं। चले हो गया चलो सोचो का सोचो